press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल पर। दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Realme X का ये बॉक्स। दोस्तों यहां पर मैं इसकी अनबॉक्सिंग तो पहले ही करा चुका हूं व्हाइट कलर में, लेकिन ये मेरे पास आ चुका है ब्लू कलर में। और वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही कलर आपके ज्यादा बेहतर है, पर मुझे पर्सनली व्हाइट ज्यादा पसंद है, लेकिन जनता की डिमांड पे मैं खासतौर पर उनके ब्लू की भी अनबॉक्सिंग करा रहा हूं। तो ये फोन मेरे पास आ चुका है DKG मोबाइल्स की तरफ से। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे यहां पर जाके इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या आपको मिलता है, एक सिस्टमेटिक अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके बाद देखेंगे इसके फीचर्स क्या रहते हैं, परफॉर्मेंस क्या रहती है, कैमरा कहां पर स्टैंड करता है क्वालिटी के मामले में, और सबसे आखिरी में जानेंगे अपने व्यूज की क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं। यानी कि इस वीडियो को देखना इस फोन को लेने से पहले आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। और दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Realme X का ये बॉक्स। अगर बात करी जाए यहां पर बॉक्स की पैकिंग की, तो यहां पर हर बार से आपको अलग पैकिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं इसका बैक सेक्शन हमेशा की तरह आपका एम्प्टी रहता है। नीचे की तरफ आपको फीचर्स का एक डिटेल वगैरह दे रखी होती है कुछ खास तौर पर, लेकिन यहां पर इनके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। तो फिलहाल जल्दी से दोस्तों यहां पर बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों बॉक्स को आप कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो यहां पर आपको एक अलग से सेक्शन दिखाई देगा। अगर बात करी जाए इस सेक्शन की, तो यहां पर आप इसे कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं बाहर। तो आपको यहां पर एक केस कवर देखने को मिल जाएगा, और साथ में मिल जाती है कुछ क्विक यूजर गाइड वगैरह, और मिल जाती है सिम इजेक्टर पिन। अगर बात करी जाए यहां पर सिम इजेक्टर पिन की, तो ये तो आपके काफी ज्यादा काम की होती है, लेकिन यहां पर ये जो क्विक स्पेसिफिकेशन गाइड वगैरह है इनका फिलहाल कोई खास मतलब नहीं होता है। तो फिलहाल इन सारे सामान को रख देता हूं साइड में। अगर बात करी जाए इस केस कवर के बारे में, तो दोस्तों यहां पर जो कवर आपको मिलता है वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी मटेरियल का बना होता है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा ये कवर देखने में। वहीं जो इसकी प्लास्टिक होती है वो बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगी। और इसकी अच्छी बात यह है कि आपका जो है पीला पड़ने वाली प्रॉब्लम यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल इसको भी रख लेते हैं साइड में। यहां पर देखते हैं और आपको क्या क्या मिल जाता है। तो फोन को दोस्तों निकाल लेते हैं बाहर, तो काफी ज्यादा खूबसूरत सा ये फोन आपको देखने को मिल गया है। तो इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं अंदर आपको मिल जाता है एक चार्जर। इस चार्जर की अगर बात करी जाए तो इसकी आउटपुट रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी 5 वोल्ट 4 एम्पियर की। तो दोस्तों ये एक VOOC टेक्नोलॉजी वाला चार्जर है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फास्ट चार्जर की ही तरह काम करेगा। वहीं अगर देखा जाए तो इसके साथ आपको मिल जाती है ये टाइप सी केबल, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो एक बार मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं इसकी केबल को, और देखते हैं कि यहां पर हाँ आपको टाइप सी ही देखने को मिली है, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है यहां पर। तो दोस्तों ये रहती हैं बॉक्स के अंदर की कंटेंट। ईयरफोन यहां पर हमेशा की तरह आपको गायब दिखाई देगा। अब चलिए चलते हैं इस फोन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा फोन, यहां पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खूबसूरत सा ये फोन आपको देखने में लग रहा होगा। अगर बात करी जाए इसके ओवरऑल लुक की, तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा इसका बैक सेक्शन। वहीं पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में बहुत ज्यादा ये जो है शाइन भी कर रहा है। यहां पर अगर बात करें सबसे पहले तो इसकी स्क्रीन के बारे में, तो यहां पर आपको 6.53 इंच की जो है डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी एमोलेड डिस्प्ले होती है। हालांकि यहां पर पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर बात करी जाए यहां पर आपको जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसकी अगर बात करें तो यहां पर ये 16 मेगापिक्सल का होता है। अपर सेक्शन में आपको एक सेकेंडरी माइक भी दे रखा होता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। साइड में आपको जो है एक पावर बटन दे रखी होती है, और साथ में यहां पर आपका सिम स्लॉट होता है। बैक सेक्शन की अगर बात करें तो यहां पर डुअल कैमरा सेटअप होता है, जो कि काफी ज्यादा आपको पसंद आएगा। यहां पर कैमरा आपका 48+5 मेगापिक्सल का होता है, और उसके जस्ट नीचे आपका LED फ्लैश होता है। नीचे की तरफ आपको जो है Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी यहां पर, और साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाएंगे। और बात अगर सबसे नीचे की करी जाए तो यहां पर आपको स्पीकर्स, टाइप सी USB पोर्ट, माइक और साथ में ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका बेसिक सी फिजिकल स्पेसिफिकेशन थी। अगर हम जल्दी से चले एक बार इस फोन के अंदर, जिसे मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये फोन आपका फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं अगर बात करी जाए आपको यहां पर फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेता हूं ताकि आप जो है इसे बारीकी से देख पाए। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कस्टमाइज UI है, काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप भी देखने को मिलेंगे।
अब चलते हैं जल्दी से एक बार इसकी सेटिंग की तरफ। तो दोस्तों ये नहीं इसकी सेटिंग, और यहाँ पर चलते हैं एक बार इसके अबाउट फोन में। तो ये रहा इसका अबाउट फोन। आप सबसे पहले तो देख रहे होंगे यहाँ पर इसकी डिस्प्ले क्वालिटी को, बहुत ज्यादा एकदम फुल व्यू डिस्प्ले आ रही है, बजल्स एकदम ना के बराबर है। और सबसे अच्छी बात यह है पॉपअप होने की वजह से ऊपर का सेक्शन आपका एकदम जो है क्लियर रहता है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइस नेम वगैरह दे रखा होता है, एंड्रॉइड 9 पे काम करता है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन रहता है जिसका एक्सपीरियंस। और रैम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 4GB रैम मिलती है, आप चाहे तो यहाँ पर और भी जो इसके वेरिएंट है वो परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि आपका बहुत ही जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। स्टोरेज की बात करें तो 128GB का स्टोरेज मिल जाता है आपको ऑन बोर्ड, जो कि आपका 105GB के आसपास जो है अवेलेबल रहता है। वहीं अगर बात करें जाए सिक्योरिटी पैचेस की तो 5 जून के हिसाब से अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो एकदम आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर चलते हैं जल्दी से एक बार अगर हम इसे ओवरव्यू करते हैं इसके कैमरे को, तो यहाँ पर कैमरे का फीचर तो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी जो है सेटअप करके रखा है, तो कर लेते हैं फोटो को क्लिक। और यहाँ पर अगर देखा जाए इसकी जो है पिक्चर क्वालिटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कलर्स आ रहे हैं, हालांकि थोड़ी सी सुपर ब्राइट इमेज आपको देखने को मिलेगी, जो ओरिजिनल कलर है वो थोड़े से नहीं होंगे। यहाँ पर जो कलर्स हैं वो काफ़ी इन्हेंस कर देता है इसका कैमरा। वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पर जूमिंग क्वालिटी को, तो जूमिंग क्वालिटी मैं उतनी तारीफ तो नहीं करता हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये रहती है बेसिक से स्पेसिफिकेशन वगैरह। वहीं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, नाइटस्केप, पैरानोमा एक्सपर्ट, टाइम लैप्स और स्लो मोशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जल्दी से चलते हैं एक बार सेल्फी पर इसको स्विच कर लेते हैं। तो आप देख सकते होंगे इसका पॉपअप निकल के आ गया है बाहर, और यहाँ पर कर लेते हैं हम एक फ़ोटो को क्लिक। और अगर देखी जाए इसकी क्वालिटी को, तो यहाँ पर क्वालिटी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहती है। सेल्फी के मामले में Realme X मैं पहले भी अनबॉक्स कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा आपको खुश करने वाला लगेगा। आप जूमिंग क्वालिटी को अगर देखेंगे तो आपको कोई शिकायत नहीं दिखाई देगी किसी भी तरीके की कहीं से भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है कलर्स भी बहुत खूबसूरत आ रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं इस रेंज में ये कैमरा एकदम परफेक्ट रहता है आपके लिए। तो वहीं अगर बात करी जाए इसके सेल्फी कैमरा के बारे में, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। अब दोस्तों एक काम करते हैं कि जल्दी से इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को कर लेते हैं सेटअप, इसके बाद बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कर लिया है दोनों को ही सेटअप। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इनर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, और अब जैसे ही यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं तुरंत ओपन कर देता है। तो कोई खास डिले तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ परफेक्शन की, तो यहाँ पर आपको हल्का सा वेट तो करना ही पड़ेगा। वहीं अगर देख सकते हैं आप एक बार फिर से, आप उतना ज़्यादा सेंसिटिव मुझे नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मैं अगर A50 यानी सैमसंग A50 से कंपेयर करूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगेगा ये देखने में। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके फेस अनलॉक की, तो जैसे ही आप इसे फेस की तरफ लाते हैं आपको एक स्लाइड कराना पड़ता है जिसके बाद ये ओपन होता है। यानी कि आप देख सकते हैं आपको एक हल्का सा डिले देखने को मिल जाएगा। इसकी वजह यही है क्योंकि लॉकिंग और अनलॉकिंग के मैकेनिज्म में ये कैमरा जो है ऊपर और नीचे जाता है, जिसमें एक हल्का सा टाइम लैप आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं, हालांकि काफ़ी फास्ट है कैमरे से, बहुत जल्दी ओपन होता है इसका फेस अनलॉक, चूंकि ये कैमरे के मूवमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको एक माइनर डिले देखने को मिल जाएगा। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। वहीं यहाँ पर पॉपअप आप लगा सकते हैं, फेस लॉक लगा सकते हैं, लेकिन पॉपअप की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करी जाए एक बार इसके पॉपअप मैकेनिज्म की, तो यहाँ पर आपको एक स्मूथ मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके अपर सेक्शन को, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाया गया है ये, और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको ये मैकेनिज्म। और अगर आप यहाँ पर एक जो है पुश सेंसर भी दिया है कि अगर आपका हल्का सा दब भी जाता है यहाँ पर, तो ये खुद ब खुद आपका अंदर चला जाएगा, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज कैमरे पर नहीं होगा। जो पहले पॉपअप्स आते थे उनमें ये चीज़ नहीं थी कि अगर यहाँ पर हल्का सा अगर एक लगता था तो वो नहीं जाता था डायरेक्ट अंदर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में अंदर चला जाता है। तो एक चीज़ अच्छी यहाँ पर ये आपको देखने को मिल गई है, क्योंकि एक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा ठीक ठाक रेंज का फ़ोन है, तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट सारी चीज़ें दे रखी गई हैं, फास्ट चार्जिंग हो चाहे इनर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर हो। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं एक बार देखते हैं इससे कुछ पिक्चर सैंपल्स, उसके बाद बात करेंगे क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं।
दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओवरऑल इसके कैमरा क्वालिटी की, तो मेरा सिर्फ एक ही शब्द निकलते हैं इसके कैमरास के लिए कि एकदम परफेक्ट। कोई ऐसा चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो। कैमरा एकदम बेहतरीन परफॉर्म करता है, फिर चाहे बात हो उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस की, फिर चाहे बात हो उसकी इसके कलर्स की, तो वो बहुत ज्यादा आपको पसंद आएंगे। दोस्तों लगे हाथों में सेल्फी कैमरा के बारे में भी यही कहना चाहता हूं कि रियलमी का सेल्फी कैमरा तो हर बार की तरह लाजवाब, लेकिन अगर पॉपअप सेल्फी कैमरा इस तरीके से काम करता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा नहीं है। आपको जो है आसानी से आप इसे परचेस कर सकते हैं, अगर आपका रेंज 17-18 तक की भी हो तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो यहां पर मेरी तरफ से तो यही है कि ये फोन एकदम परफेक्ट है। फिर चाहे बात हो इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो वो भी काफी ज्यादा फास्ट लगा है। हालांकि फेस लॉक आपको थोड़ा सा धीमा लग सकता है, क्योंकि वो पॉपअप में आने जाने में थोड़ा सा समय लगता है, जिसकी वजह से डिले हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कैमरा को अगर देखा जाए, इसके लुक को देखा जाए, तो ये 10/10 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे आंख मूंद करके ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आप जो है इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं किसी अदर मॉडल से, या आपके दिमाग में कोई डाउट हो इन फोन्स के बारे में लेकर, K20 के बारे में लेकर, या इसके बारे में K20 और इसमें कौन सा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रेंज एक ही है और यहां पर देखने में भी लगभग सेम लगते हैं, तो बहुत ज्यादा डाउट होता है कभी कभी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की और उन पर वीडियोस बनाने की। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।